Hey guys, welcome back to Keep Up Rating and this is Joyita. In this video, I'm gonna share with you my nighttime skincare routine. इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने जाऊंगी कि मैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती हूँ अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए. एंड मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन बिल्कुल सिंपल है जो आपको मैं शो करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतना सारा स्टेप्स देख के, मल्टीपल स्टेप्स देख के, जो कि बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है बेसिक जो लोग स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं. सो मेरा भी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जो है बिल्कुल सिंपल है जो मैं आपको शो करूंगी. सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट स्टेप दैट आई फॉलो इज टू क्लींस माई फेस. सो जैसे कि अभी वर्क फ्रॉम होम मेरा चल रहा है, बाहर नहीं जाती हूँ, तो मेकअप वगैरह भी अप्लाई नहीं करना होता है मुझे. सो आई हैव एक्सक्लूडेड द स्टेप ऑफ रिमूविंग माई मेकअप. अगर आप बाहर जाते हो देन यू कैन यूज़ द ऑयल बेस्ड क्लेंजर टू क्लेंज योर स्किन फर्स्ट. आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गो फॉर द फेस वॉश. सो फेस वॉश के लिए मैं यूज़ करती हूँ वाओ का चारकोल बेस्ड क्लेंजर, जैसे कि आप देख सकते हैं. दिस फेस वॉश वर्क्स ग्रेट फॉर माई स्किन. मेरे स्किन को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. और जैसे कि इसमें चारकोल बीड्स है, ये एक्सफोलिएट भी करता है अपने स्किन को, जो डस्ट वगैरह होता है वो अच्छी तरह से रिमूव भी करता है. सो इफ़ यू वॉन्ट अ परचेज दिस प्रोडक्ट यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने इसके परचेज लिंक भी दे दिया है. तो मैं फेशियल वगैरह का जो स्टेप्स होता है वो यूज़ करके मैं अपने फेस को पहले क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं फेस को वॉश करूँगी. So once I am done with the face wash, now I'm gonna apply face pack. Face pack के लिए मैं use करती हूँ Aztec Secret का clay mask. This is one of my current favorite face masks. So इसका review मैंने already किया हुआ है. If you wanna check the review, you can check the I button or I have linked it up somewhere in the description box below. So इस face mask को मैं अच्छी तरह से apple cider vinegar के help से मैं mix करूँगी. It works amazing if you mix it up with apple cider vinegar. उसके बाद मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी लाइक दिस. फेस पे अप्लाई करने के बाद यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स. इसको अच्छी तरह से पूरा नहीं सूखने देना है, अगर अंदर से थोड़ा थोड़ा सूख जाए देन इट इज़ ऑल्सो ओके. एंड आफ्टर वेटिंग फॉर अबाउट 20 मिनट्स यू नीड टू वॉश ऑफ इट. सो आई एम गोना वॉश माई फेस राइट नाउ. फेस वॉश करने के बाद आई एम गोना हाइड्रेट माई फेस. और हाइड्रेट करने के लिए यू नीड टू अप्लाई टोनर. और टोनर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड कॉल काया स्किन क्लीनिंग. एंड इट इज़ फॉर द स्किन प्यूरिफाइंग. इट्स अ स्किन प्यूरिफाइंग टोनर. इसे मैं अच्छी तरह से अपने फेस को फेस में स्प्रे करूँगी. स्प्रे करने के बाद थोड़ा इसको सूखने के लिए दूँगी, पूरा ज़्यादा नहीं सूखना है, थोड़ा सा बस सूखने के लिए दूँगी. उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए जाऊंगी. टोनर बेसिकली आप फेस क्लेंजिंग के बाद भी आप टोनर लगा सकते हो, बट मैं बेसिकली टोनर फेस पैक लगाने के बाद ही लगाती हूँ, बिकॉज फेस पैक लगाने के बाद हमारे फेस से जो है मॉइस्चर चला जाता है, वो हाइड्रेशन चला जाता है. सो इसके लिए यू नीड टू हाइड्रेट द फेस. और फेस अगर आप टोनिंग करोगे, टोनर अप्लाई करने के बाद जब आप मॉइस्चराइजर या फिर नाइट क्रीम लगाओगे, इट इमीडिएटली लॉक्स दैट मॉइस्चराइजर और नाइट क्रीम. सो इट वर्क्स वंडर्स. So this is the reason I apply toner after applying the face pack. Now once I've toned my face, it's time to apply the night cream just to lock the moisture into my skin. And night cream that I use is from Aroma Magic and it is vitamin E night cream. You can check the review of this night cream in the IGTV series. I have recently uploaded the review of this night cream into my IGTV, so I have linked it out in the description box below. If you want to check it out, you can just check. सो ये नाइट क्रीम बहुत अच्छा है एंड ये मैं रेगुलरली अप्लाई करती हूँ. एंड ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पीसा इस अमाउंट के मैं लेती हूँ, क्योंकि दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द नॉर्मल टू ऑयली स्किन टाइप्स. सो इफ़ यू आर ड्राई स्किन ब्यूटी देन दिस इज़ नॉट सुइटेबल फॉर यू. सो मैं अच्छी तरह से इसको अप्लाई करने के बाद अपने स्किन पे मसाज करूँगी. और मसाजिंग का जो स्ट्रोक्स होता है वो ही स्टेप्स मैं फॉलो करूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि मसाज स्टेप्स रियली वर्क्स ग्रेट इफ़ यू वांट टू प्रमोट द ब्लड सर्कुलेशन इनटू योर स्किन. और हमारे नाइट टाइम स्किन के रूटीन के ऊपर ही हमारा स्किन केयर, स्किन का जो ओवरऑल हेल्थ है वो डिपेंड करेगा, क्योंकि नाइट में ही हमारा स्किन जो
है अच्छी तरह से रिपेयर होता है, हमारे स्किल्स स्किन सेल्स रिजेनरेट होते हैं, रिजुवेनेट होता है हमारा स्किन। सो नाइट क्रीम आपको अच्छा क्वालिटी का लेना है एंड दिस ब्रांड प्रोवाइड्स द पैराबेन फ्री प्रोडक्ट विच इज वाई आई लव दिस ब्रांड। सो इसी तरह से मैं अपने फेस को अच्छी तरह से मसाज करके मैं नाइट क्रीम को अप्लाई करूंगी एंड आफ्टर दैट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल स्टेप। नाउ स्किन का तो हो गया, नाउ इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योर आईज टू। और आई क्रीम मैंने कुछ खरीदा वो नहीं है क्योंकि मैं कोकोनट ऑयल ही अप्लाई करती हूँ एज एन आई क्रीम। सो मैं कोकोनट ऑयल बस 2 ड्रॉप्स लूँगी, ज़्यादा नहीं, और अच्छी तरह से मैं अपने अंडर आई और मतलब आई लिड्स के ऊपर मैं लगाऊंगी ताकि अगर थोड़ा सा भी अगर डार्क सर्कल्स हो वो चला जाए। कोकोनट ऑयल वर्क्स ग्रेट टू रिमूव द ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स, सो दिस इज द रीज़न आई ऑलवेज प्रेफर कोकोनट ऑयल एज एन आई क्रीम। सो यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट विद अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस एंड दिस इज इट। So these are the steps that I follow in my nighttime skincare routine. As you can see, मेरा nighttime skincare routine बिल्कुल simple है। मैंने कोई multiple steps, I mean complex steps मैंने use नहीं किया है, जैसे मैंने serums use नहीं किया है, face oil use नहीं किया है, इतना ज़्यादा products मैं अपने nighttime skincare routine के लिए मैं use नहीं करती हूँ क्योंकि skin खुद ही confused हो जाएगा कि बंदा क्या apply कर रहा है, मैं कैसे काम करूँ, you know, face serums, उसके बाद face oil, उसके बाद night cream। So आप अपना night time या फिर day time कुछ हो, अपना स्किन आप केयर आप बिल्कुल सिंपल रखें, ज़्यादा आप कुछ प्रोडक्ट अप्लाई मत कीजिए। और बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे फोर फादर्स के टाइम पे, हमारे दादी नानी के टाइम पे, उस टाइम में तो नाइट क्रीम सेरम्स कुछ भी अवेलेबल नहीं होते थे, मॉइस्चराइजर्स भी अवेलेबल नहीं होते थे, वो क्या करते थे सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाते थे अपने फेस पे और उनका ग्लो देखिए कि कितना अच्छा बरकरार रहता है। सो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि आपका स्किन केयर बिल्कुल सिंपल हो, ज़्यादा फैंसी वगैरह ना हो। सो दिस इज़ द रीज़न आई हैव मेड दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर यू, सॉरी, एंड आई होप दिस वीडियो वॉज quite helpful to you. Please let me know your suggestions if you have any in the comment section below, and if you are new to my channel, please subscribe to my channel, and if this video was helpful to you, please like this video and share it with your friends. And if you have not yet followed my social media networks, you can just check out the description box below. I have linked all my social media profiles in the description box below, so please make sure to follow me there as well. So yeah, with this I end my video. This is Joita signing off now. Bye bye.